हम लोग हेडिंग डालेंगे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। हम लोग स्टार्ट किए थे जनरलाइज्ड मॉडल से। जनरलाइज्ड मॉडल में क्या किए थे हम लोग, तीनों के लिए डिराइव करें। जनरलाइज्ड मॉडल मतलब क्या किया था मैं आपके लिए, एग्जैक्ट एनालिसिस क्या था, एग्जैक्ट एनालिसिस वाले पार्ट में हम लोग क्या किए थे आपके लिए, चाहे वो आपका कॉमन एमिटर हो, चाहे वो आपका कॉमन कलेक्टर हो, चाहे वो आपका कॉमन बेस हो, सबके लिए हम लोग एक साथ डिराइव कर लिए थे आपके लिए एग्जैक्ट मॉडलिंग। ठीक है, एग्जैक्ट मॉडलिंग किसके किए थे हम लोग, सिर्फ आपके लिए जनरलाइज्ड मॉडल लेके के लिए। ठीक है, तीनों के लिए वैलिड था, हमारे पास आपको एच पैरामीटर के साथ क्या लगाना था, ई लगाना था, सी लगाना था और बी लगाना था। ठीक है, तो आपके क्या था, एग्जैक्ट एनालिसिस वाला पार्ट था। अब हम लोग देख रहे हैं आपके लिए क्या, डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीफायर की प्रॉपर्टीज के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लिए पहले एनालिसिस हम लोग कर चुके थे कॉमन एमिटर की, कॉमन एमिटर के बाद कॉमन एमिटर विथ आर सी, विथ आर ई और विदाउट आर ई भी किए थे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या एक कॉमन कलेक्टर वाला देखते हैं। ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर में स्पेशल क्या होने वाला है ये देखते हैं आपके लिए। क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक कॉमन कलेक्टर का बेसिक फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका बेस टर्मिनल, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका अमीटर। ठीक, ये हो गया आपका वी एस सोर्स सिग्नल, एसी सिग्नल है ये, और ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपके लिए आर एस। ठीक, ये हो गया आपके लिए प्लस वी सी सी। ठीक है, और ये हो गया आपके लिए आर ई। आर ई क्या है आपका, अमीटर रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर ई आपके लिए अमीटर रेजिस्टेंस, एक बेसिक एम्पलीफायर का फिगर हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर इस कारण हमको पहले से पता है कि हम लोग यहाँ पे जो आउटपुट लेने वाले हैं वो कहाँ से लेने वाले हैं, एमीटर से आउटपुट लेने वाले। ठीक, तो एमीटर से मैं यहाँ पे आउटपुट लेता हूँ, और आउटपुट जहां से ले रहे हैं वहां पे हम लोग लाएंगे कपलिंग कैपेसिटर। ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर लगेगा आपके लिए सीसी। ठीक, ये क्यों क्यों लगाया आपके लिए ऐसा सीसी यहाँ पे, ताकि आप डीसी वाले पार्ट को ब्लॉक कर सको, डीसी वाले पार्ट का आपके आउटपुट में कोई इफेक्ट ना आए। कैपेसिटर क्या करता है आपके लिए, डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक, यहां से ड्रॉ करता हूं मैं आपका लोड रेजिस्टेंस आर एल। ठीक है, एक लोड रेजिस्टेंस आपके लिए ड्रॉ किया मैं आर एल, ये हो गया आपके लिए आर एल, ये हो गया आपके लिए V नॉट, ये हो गया आपका करंट I नॉट जो आपके लोड पे फ्लो कर रहे है। ठीक है, तो एक बेसिक फिगर बना आपके लिए। ये फिगर किसका फिगर है आपके लिए, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का है। ठीक, ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का फिगर है आपके लिए। इस फिगर को देख के बताओ मेरे को, ये एसी फिगर है कि डीसी फिगर है, दोनों है, ये दोनों है। देखो, एक डीसी सप्लाई अवेलेबल है प्लस वीसीसी, एक एसी सप्लाई भी अवेलेबल है आपके लिए वीएस। वीसीसी किस लिए है यहाँ पे, वीसीसी का काम ये है कि इस ट्रांजिस्टर को ये एक्टिव रीजन में रखे, सो दैट ये एम्पलीफायर की तरह बिहेव कर सके। ठीक है, और कुछ काम नहीं है आपके वीसीसी का। ठीक है, तो एक बेसिक फिगर ड्रॉ किया मैं आपके लिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अभी हमको नहीं मालूम, कॉमन अमीटर एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कल देख चुके हैं। ठीक है, जब हम लोग कॉमन अमीटर एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक देखे तो हमको पता चला था कि एक कॉमन अमीटर सर्किट में क्या होता है, आपका वोल्टेज गेन मीडियम होता है, आपका करंट गेन भी मीडियम होता है। मतलब एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आपके लिए वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, इनपुट इंपीडेंस कम होता है, इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू कम होती है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, आउटपुट इंपीडेंस की वैल्यू हाई होती है। जनरली हम लोग इनफाइनाइट निकाल के लाए थे, लेकिन इनफाइनाइट वाला केस आपके लिए क्या है, अप्रोक्सीमेशन वाला केस है, क्योंकि मैं इनफाइनाइट को कैलकुलेट किया था आपके अप्रोक्सीमेट मॉडल से, एग्जैक्ट मॉडल से इनफाइनाइट कैलकुलेट नहीं किया था। ठीक है, एग्जैक्ट मॉडल से कैलकुलेट किया था, उसमें हाई वैल्यू आई थी। ठीक, तो क्या था आपके लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू से, तो इसका भी एनालिसिस मुझको ऐसे ही करना है सच दैट आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक पता चल पाए। ठीक है, आप इसे कैरेक्टरिस्टिक डिराइव कर रहे हो बेसिकली, और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी यहाँ पे आप कर ले रहे हो। ठीक है, कॉमन एमिटर वाला केस और कॉमन कलेक्टर वाला केस में थोड़ा सा स्पेशल वाला पार्ट आता है। ठीक है, जो आपका कॉमन कलेक्टर होता है इसका जो मॉडल बनेगा आपके लिए अप्रोक्सीमेट मॉडल है ना, थोड़ा सा ये अलग बनेगा। ठीक है, वो अलग क्यों बनेगा, उसका रीजन ये है कि वहां पे आपकी वैल्यूज मैटर करती है, आपकी एच आर की, एच आई की, एच एफ की, एच सी, इन सबकी वैल्यूज मैटर करती है वहां पे। ठीक, तो देखो यार, फिगर ड्रॉ किया हूं मैं, इस फिगर की हेल्प से, इस फिगर की हेल्प से मैं एसी एनालिसिस नहीं कर सकता, इस फिगर की हेल्प से मैं एसी एनालिसिस नहीं कर सकता। मतलब एम्पलीफायर के कैरेक्टरिस्टिक को मैं इस फिगर को देख के नहीं बता सकता। ठीक है, एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है, एसी कैरेक्टरिस्टिक होता है, एसी पैरामीटर्स होते हैं, एम्पलीफायर मतलब एसी पैरामीटर, और एसी पैरामीटर को हम लोग हमेशा एसी सर्किट से निकालते हैं। ठीक है, तो मुझको क्या चाहिए, मुझको चाहिए यहाँ पे एसी पैरामीटर्स। ठीक है, एसी पैरामीटर्स चाहिए मतलब क्या, मुझको इस सर्किट का एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, मुझको इस सर्किट का क्या करना पड़ेगा, एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। अब एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मतलब क्या है, एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का मतलब यह है कि डीसी वोल्टेज को मुझको ग्राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, डीसी वोल्टेज को मुझको ग्राउंड करना पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट किसमें आएगा, कैपेसिटर में दूसरा इफेक्ट आएगा। ठीक है, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, एसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है आपको मालूम है, हम लोग पूरा एक्सी कैलकुलेट करके देख चुके हैं, एक्सी की वैल्यू बहुत छोटी आ रही थी, बहुत छोटी आ रही थी, हम लोग शॉर्ट सर्किट मांगे चलते। क्लियर, तो मैं क्या करता हूं यहां पे इसका एसी एनालिसिस का फिगर ड्रॉ करता हूं, क्योंकि मुझको तो एसी एनालिसिस ही करना है। ठीक, तो यहां पे इसका एसी एनालिसिस का फिगर ड्रॉ करता हूं। एसी एनालिसिस देखिएगा, मैं क्या करूंगा यहां पे वीसीसी की वैल्यू को जीरो कर दूंगा। एक्चुअली मैं वीसीसी नहीं, मैं सारे के सारे डीसी वोल्टेज की वैल्यू को जीरो करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन में फिगर मिलेगा वहां पे, यहाँ पे भी एक सप्लाई हो सकता है,
यहां पे भी एक सप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो आपको सारे डीसी को जीरो कर देना है एसी एनालिसिस पे। तो यहां पे एक ही डीसी है बीसीसी, बस यहां पे एक डीसी वोल्टेज, इसको मैं जीरो कर दिया, ठीक। अगला क्या होगा, कैपेसिटर मेरे लिए शॉर्ट सर्किट होगा, कैपेसिटर मेरे लिए क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक। कैपेसिटर हो गया मेरे लिए शॉर्ट सर्किट। अब देखो फिगर ड्रॉ करता हूं मैं, है ना, ये मेरे लिए ग्राउंड हो जाएगा, ऐसा ही मेरे लिए क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक। यहां पे जो आपको कैपेसिटर लगा है ये भी आपके लिए ग्राउंड हो गया, ये हो गया आपका आरएल, ये ड्रॉ किया मैं आपके लिए आरएल, ठीक। ये बना मेरा सर्किटरी, ये हो गया मेरे लिए बीएस, ये हो गया मेरे लिए आरएस, ये हो गया मेरा बेस टर्मिनल, ये हो गया मेरा कलेक्टर, ये हो गया मेरे लिए अमीटर, ये हो गया आरई, ये हो गया मेरे लिए आर एल, ये हो गया वोल्टेज वी नॉट, यहां से करंट फ्लो हो रहा है ये आई नॉट, ठीक। ये मेरा एसी वाला फिगर बना, ये फिगर क्या है मेरे लिए एसी इक्विवेलेंट है, ये फिगर क्या है, इस फिगर का एसी इक्विवेलेंट है। एसी इक्विवेलेंट क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि मुझको यहां पे एम्पलीफायर का एनालिसिस करना है। एम्पलीफायर का एनालिसिस मतलब हमेशा एसी इक्विवेलेंट, इस बात को लो बहुत ध्यान से सुनना कि हमेशा आपको एसी इक्विवेलेंट ड्रॉ करना है एम्पलीफायर के एनालिसिस का, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी हो चाहे वो आपके लिए लो फ्रीक्वेंसी। अभी तो लो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आया, हाई फ्रीक्वेंसी का पार्ट आएगा, तो वहां पे भी ये सारे कॉन्सेप्ट वैलिड होने वाले, ठीक है। वहां पे तो एनालिसिस हमेशा एसी इक्विवेलेंट सर्किट को ही लेके करते हैं। सर्किट क्या है मेरे लिए, एसी इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। इसमें कोई सोर्स है, इसमें कोई सोर्स है, इसी में तो सोर्स है, एक्चुअली सोर्स तो इसी में बीएस, ठीक है। ऊपर भी ग्राउंड दिख रहा है, नीचे भी ग्राउंड दिख रहा है, ऊपर भी ग्राउंड दिख रहा है, नीचे भी ग्राउंड दिख रहा है। एक्चुअली ग्राउंड तो एक ही होता है, एक्चुअली ग्राउंड तो एक ही होता है, ठीक है। यहाँ दो जगह में ग्राउंड रखा, लेकिन दोनों ग्राउंड कॉमन ही होंगे, दोनों ग्राउंड सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ दो ग्राउंड आपको दिख रहा है, दो ग्राउंड तो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे बीसीसी को जीरो कर दिया। जीरो करना मतलब क्या, एक वोल्टेज को जीरो करना है तो आप उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, वो जीरो हो जाएगा, ग्राउंड के बराबर कर दो उसको, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए फिगर। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस फिगर को थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, इस फिगर को मैं थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ। फ्लिप करता हूँ मतलब क्या, एमीटर को ऊपर ड्रॉ करता हूँ, कलेक्टर को नीचे ड्रॉ करता हूँ। आपको ध्यान से दिखना चाहिए, अमीटर आरई के साथ ग्राउंड से कनेक्टेड है, कलेक्टर डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस फिगर को थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ, इस फिगर को फ्लिप करता हूँ, अमीटर को ऊपर बनाता हूँ, कलेक्टर को नीचे बनाता हूँ, ठीक। तो एक दूसरा फिगर बना, ये फिगर भी मेरे लिए क्या है, एसी इक्विवेलेंट ही है, ये फिगर भी मेरा एसी इक्विवेलेंट, एसी इक्विवेलेंट ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको फ्लिप करता हूँ, इस फिगर को मैं आपके लिए फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप कर देता हूँ मतलब अमीटर और कलेक्टर को ऊपर नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां पे क्या किया मैं, ये बनाया आपके लिए अमीटर, ये बना मेरा बेस और ये बना मेरे लिए कलेक्टर, ठीक। मैं क्या किया, ट्रांजिस्टर ले लिया, सर्किट भी है, बस मैं अमीटर को ऊपर ड्रॉ किया, कलेक्टर को नीचे ड्रॉ किया। पोजीशन ऑफ कोर्स चेंज कर सकता हूं मैं, है ना, कनेक्शन भी उसी के हिसाब से करूंगा, ठीक। तो देखो मुझको अब मेरे मेन फिगर में क्या दिख रहा है, जो मेरा सेकंड वाला फिगर है, मेरा एसी इक्विवेलेंट वाला फिगर है, इसे मुझको मेरा कलेक्टर ग्राउंड दिख रहा है, कलेक्टर ग्राउंड है, डायरेक्टली ग्राउंड है कलेक्टर, कलेक्टर में नीचे बनाया हूं, इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। कलेक्टर मेरे लिए क्या है, ग्राउंड है, तो ये कलेक्टर बना मेरे लिए, ठीक है। ये बेस है, ये हो गया मेरे लिए बेस, ये हो गया मेरे लिए अमीटर, ये हो गया मेरे लिए कलेक्टर। कलेक्टर क्या आपको डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंड दिख रहा है, सबको डायरेक्टली ग्राउंड दिख रहा है कलेक्टर, ठीक। तो मैं कलेक्टर को ग्राउंड कर दिया, ये कलेक्टर हो गया मेरे लिए ग्राउंड, ठीक, कलेक्टर हो गया मेरे लिए ग्राउंड। अभी हम लोग बात करें थोड़ा सा सोर्स वोल्टेज की, हम लोग बात करते हैं सोर्स वोल्टेज की। सोर्स वोल्टेज कैसा है मेरे लिए, वीएस और आरएस साथ में लगा हुआ है, मतलब क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, क्योंकि आरएस की एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, देखो कनेक्शन देखो, आप इस वीएस का कनेक्शन देखो, वीएस एक्चुअली कहां कनेक्टेड है, बेस और ग्राउंड के बीच, वीएस कहां कनेक्टेड है, बेस और ग्राउंड के बीच में, ठीक। तो ये बना हुआ है मेरे लिए बेस, तो बेस और ग्राउंड के बीच में मैं आपके लिए वीएस को कनेक्ट करता हूँ, ठीक। ये बना दिया मैं आपके लिए आरएस, ये हो गया मेरे लिए आरएस, ठीक, ये हो गया आरएस, और ये बनाया मैं आपके लिए वीएस। देखो बेस और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है क्या, बेस और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, जो मेरा वीएस है, जो मेरा सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, वो कहां कनेक्टेड है, बेस और ग्राउंड के बीच में। इस फिगर में भी बेस और ग्राउंड के बीच में था, उस फिगर में भी बेस और ग्राउंड के बीच में, सबको क्लियरली दिखा वहां पे वाला पार्ट, ठीक है। अब देखिए आप ये अमीटर से कनेक्शन क्या क्या है, अमीटर से कनेक्शन को ध्यान से देखना है ना, ये अमीटर ड्रॉ किया हूं, अमीटर वाले टर्मिनल से आरई को देखो आप, एक अमीटर वाले टर्मिनल से ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है मेरा आरई, आरई कहां कनेक्टेड है मेरा अमीटर से ग्राउंड पे, ठीक। ये लिया मैं अमीटर को, ये मेरा अमीटर वाला टर्मिनल है, अमीटर से ग्राउंड पे क्या कनेक्टेड है मेरा आरई, ठीक। तो मैं ये ड्रॉ किया यहां पे आरई, अमीटर से ग्राउंड के बीच में, ये हो गया मेरे लिए आरई, सबको क्लियरली दिख रहा है आरई, सबको क्लियरली दिख रहा है आरई, कनेक्शन सेम है, दोनों फिगर में कनेक्शन आपके लिए
सेम है, ठीक है। तो आरई को मैं अमीटर से ग्राउंड के बीच में कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब देखो आपका आरएल को देखो, आरएल भी कहां कनेक्टेड है आपसे, अमीटर से कनेक्टेड। देखो आरएल अमीटर से कनेक्टेड है और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, ठीक। तो मैं आरएल को भी ड्रॉ करता हूं यहां पे अमीटर और ग्राउंड के बीच में, तो ये बना मेरे लिए आर एल और यहां से फ्लो होगा करंट मेरे लिए आई नॉट, ठीक है। तो आर एल भी आपके लिए अमीटर से ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है। मैं आउटपुट कहां से ले रहा हूं, ठीक, मैं अमीटर से आउटपुट ले रहा हूं, ठीक है। तो ये अमीटर से मेरा मिल गया आउटपुट, ये अमीटर से क्या मिल गया मुझको आउटपुट। ये आपके लिए परफेक्ट एसी इक्विवेलेंट का फिगर है, जहां पे आपको कलेक्टर टर्मिनल जो है आपको प्रॉपर ग्राउंड दिख रहा है या कॉमन दिख रहा है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कलेक्टर आपको क्या दिख रहा है ग्राउंड दिख रहा है। मैं बस क्या किया, पहले तो मैं नॉर्मल सर्किटरी लिया है ना, एक नॉर्मल सर्किटरी लिया एम्पलीफायर की, उसका एसी इक्विवेलेंट ड्रॉ किया, उसके बाद आपके लिए अमीटर और कलेक्टर को फ्लिप करके दोबारा कनेक्शन किया। कनेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसा कनेक्शन इस फिगर में है एज इट इज कनेक्शन उस फिगर में। मैंने बस क्या किया है अमीटर को वहां पे ऊपर ड्रॉ किया है। इस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ ये कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर है मतलब कलेक्टर आपके लिए बेस जो आपका इनपुट वाला टर्मिनल है और अमीटर जो आपका आउटपुट वाला टर्मिनल, दोनों के लिए एज अ कॉमन टर्मिनल एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक परफेक्ट फिगर बना। एक्चुअली बुक में डायरेक्ट वो फिगर दिया होता है ना, आपको सेकंड वाला फिगर को नहीं बनाता, डायरेक्ट आपके लिए थर्ड वाला फिगर बना देते हैं, तो आपको थोड़ा समझने में वहां पे टफ होता है, लेकिन आपको पहले क्लियर रहे कि ये आपका एक्चुअली कॉमन कलेक्टर का फिगर है, जहां पे वो कलेक्टर एकदम ग्राउंड दिख रहा है। इस फिगर में किसी को कलेक्टर भी ग्राउंड दिख सकता है, अमीटर भी ग्राउंड दिख सकता है, ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा पता होगा तो भी वो बोलेगा कि हाँ मतलब विथ आरी वाला फिगर है। नहीं भाई, विथ आरी वाला फिगर नहीं, विथ आरी वाला फिगर नहीं, इंपॉर्टेंट बात है ना, ये विथ आरी वाला फिगर नहीं। आरी जो है एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का फिगर ड्रॉ किया हूं मैं, आरी जो है यहां पे लोड की तरह एक्ट कर रहा है, आरी जो है यहां पे लोड की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मैं पिछले केस को देखूं अपने कॉमन अमीटर वाले में, तो वहां पे आपके लिए आरी बाइसिंग रजिस्टर था, वहां पे आपके लिए आरी बाइसिंग रजिस्टर था, लेकिन वहां पे आरसी आपके लिए लोड रजिस्टेंस था। मतलब जब कॉमन अमीटर एम्पलीफायर का फिगर ड्रॉ करता हूं तो आपका अमीटर रजिस्टेंस, आपका अमीटर रजिस्टेंस बाइसिंग रजिस्टर होता है कॉमन अमीटर में, सी एम्पलीफायर में, लेकिन वहां पे कलेक्टर रजिस्टेंस लोड रजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जब मैं कॉमन कलेक्टर का फिगर ड्रॉ करता हूं तो फिर मेरे लिए आरी मतलब जो आपका बाइसिंग रजिस्टर था कॉमन एमिटर वाले केस में, वो लोड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो कौन सा रजिस्टेंस कब लोड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा रजिस्टेंस कब बाइसिंग रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। तीनों फिगर को ड्रॉ करो फिर एनालिसिस चालू करते हैं। एम्पलीफायर इन सीई एम्पलीफायर, इन सीई एम्पलीफायर आरई, इन सीई एम्पलीफायर आरई एक्स एस, in CE amplifier RE acts as biasing resistor, RE acts as biasing resistor and RC acts as load resistor, and RC acts as load resistor, ठीक है। तो एक कॉमन अमीटर एम्पलीफायर के फिगर की बात करूं, आप लोग ड्रॉ भी किए हो, पूरा एनालिसिस भी कर चुके हैं उसका, आप देखे होंगे कि एंड में जब उसका मॉडलिंग ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, जब उसका एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे आपका आरएल के पैरेलल में ही आता है आरसी, ठीक है। तो वहां पे आरसी क्या करता है, आरसी वहां पे लोड की तरह बिहेव करता है, आरसी वहां पे क्या करता है लोड की तरह बिहेव करता है, लेकिन आरई वहां पे बाइसिंग रजिस्टर की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आरसी, इन कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर आरसी इफ प्रेजेंट, RC if present acts as, RC if present acts as biasing resistor, acts as biasing resistor, whereas RC bracket mein likhna if present acts as biasing resistor, whereas RE acts as load resistor, whereas RE acts as load resistor, clear। तो आपको थोड़ा पूरा मीनिंग क्लियर हो, आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो कि कौन सा रजिस्टर कब बाइसिंग की तरह एक्ट करता है, कब आपके लिए लोड रजिस्टर की तरह एक्ट करता है। एसी डीसी इक्विवेलेंट मॉडल बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए ना, डीसी की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा रहेगी नहीं वैसे, जब आपका आरई मॉडल वाला केस आएगा तब आपको भले डीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी, डीसी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी, अदरवाइज आपको एम्पलीफायर 99.9% ऑफ टाइम्स आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एसी का रिक्वायरमेंट ही रहेगा, ठीक है। तो एसी इक्विवेलेंट सर्किट में पता रहे आपको कौन सा आपके लिए लोड रेजिस्टेंस है, कौन सा आपके लिए बाइसिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पता रहेगा आपको, थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा। इसी कारण कई बार मैं आरएल डैश लिखता हूं, आरएल डैश का मतलब क्या होता है, आरएल डैश मतलब आरई पैरेलल विद आरएल, इसका मतलब होता है आरएल डैश, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग मॉडल ड्रॉ करते हैं, इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट मॉडल ड्रॉ करते हैं।
ठीक है। तो हम लोग लिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर वाला पार्ट ग्राउंड। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बी और सी टर्मिनल के बीच में आपको इनपुट मिल रहे हैं, बी और सी टर्मिनल के आपके लिए इनपुट की तरह ऐड कर रहा है और ई और सी टर्मिनल आपके लिए आउटपुट की तरह ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसका फिगर ड्रॉ करता हूं मैं आपके लिए, एक हाइब्रिड मॉडल का फिगर ड्रॉ करता हूँ ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो हाइब्रिड मॉडल का फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक, ये हो गया मेरे लिए बेस टर्मिनल, ये हो गया मेरे लिए कलेक्टर टर्मिनल। ठीक, ये हो गया मेरे लिए कलेक्टर, ये हो गया मेरे लिए अमीटर। तो ये वाला वोल्टेज हो गया मेरे लिए वी ई सी। ठीक, ये वाला वोल्टेज हो गया मेरे लिए वी स्मॉल बी एंड सी। ठीक, ये हो जाएगा मेरे लिए एच आई सी, ये हो जाएगा मेरे लिए एच आर सी इंटू वी ई सी। ठीक, ये हो जाएगा मेरे लिए एच एफ सी इंटू आई बी। ठीक, ये हो जाएगा मेरे लिए एच ओ सी। ठीक, यहां से जो करंट निकलेगा ये क्या हो जाएगा मेरे लिए आई बी, और यहां से जो करंट निकलेगा ये हो जाएगा मेरे लिए आई ई। ठीक है, इस फिगर का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं क्या? इस फिगर का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं क्या, पूछ रहा हूं जस्ट, कर चुके हैं। इसका एग्जैक्ट एनालिसिस हम कर चुके हैं, है ना। मैं आपके जनरलाइज मॉडल बनाया था, वहां पे बस आपको V1 को VB से रिप्लेस कर देना था, I1 को IB से रिप्लेस कर देना था। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग तीनों का एग्जैक्ट एनालिसिस तो कर चुके हैं जो जनरलाइज मॉडल में हम लोग किए थे, बस आपको वहां पे सफिक्स लगाना है सी बी और ई, है ना। तो वो तो हम कर चुके हैं, अभी हमको करना है यहाँ पे इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। ठीक है, तो ये फिगर किसका बनाया हूं? ये फिगर सिर्फ ट्रांजिस्टर का बनाया हूं। ये फिगर क्या है? सिर्फ ट्रांजिस्टर का फिगर है, यहाँ पे मेरा सोर्स और लोड नहीं लगा हुआ है। अगर सोर्स और लोड चाहिए मुझको तो फिर यहाँ पे लग जाएगा सोर्स आपका, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा आपका आउटपुट साइड में लोड। जब भी मैं आपके लिए इंटरनल पैरामीटर की बात करता हूँ तो मुझको लोड नेटवर्क और सोर्स नेटवर्क की नीड नहीं होती, जब भी मैं इंटरनल पैरामीटर की बात करूँ। जब भी मैं एक्सटर्नल पैरामीटर की बात करूँ, टोटल इनपुट इंपेडेंस इस टाइप का वर्ड यूज करूँ, तब मुझको लोड और सोर्स की नीड रहती है ना, अदरवाइज मुझको लोड और सोर्स नेटवर्क की नीड नहीं एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बना दिया मैं आपके लिए एक नेटवर्क यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका कलेक्टर वाला पार्ट ये ऐसा ग्राउंड रहेगा। ठीक है, अब मुझको करना है इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अब मुझे क्या करना है, इसका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करना है तो इसकी दो कंडीशन होगी, इसकी दो कंडीशन होगी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की। एक हो जाएगा आपका एच ओ सी इंटू आर एल शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.1, आर एल डैश कर दो उसको, है ना, 0.1। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हो, तो फिर आप अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हो। अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर आपको एग्जैक्ट एनालिसिस करना होगा, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमको फिर क्या करना होगा, एग्जैक्ट एनालिसिस करना होगा। क्लियर, तो ये दो कंडीशन यहाँ पे है। अब मुझको ड्रॉ करना है इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मॉडल ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा बताओ जरा, एच ओ सी ओपन सर्किट हो जाएगा और जो इनपुट में वोल्टेज सोर्स लगा एच आर सी इंटू वी सी क्या हो जाएगा, हाँ बस ये नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा, है ना। जो आपका ओपन सर्किट होने वाला पार्ट है वो तो होगा, आप टेबल को याद करो, जो टेबल बनवाया था मैं आपके लिए एच आर एच आई सबका वैल्यू बनाया था वहां पे मैं, उस टेबल को याद करो आप। उस टेबल में आपके एचओई की वैल्यू तो आ रही थी 1/40 किलो, मतलब एचओई का वैल्यू 1/40 किलो आ रहा था, मतलब एचओसी कितना था आपके लिए, सॉरी 40 किलो था। ठीक है, 40 किलो था तो ओपन सर्किट हो जाएगा, ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। आप याद करो एच आर सी को, कॉमन कलेक्टर के लिए एच आर सी की वैल्यू 1 है, एच आर सी की वैल्यू 1 है, मतलब 1 × VC is VEC। ठीक है, इससे पहले दोनों केस में क्या हो रहा था, एक केस में क्या हो रहा था आपके लिए एक छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, वो 2.9 × 10⁻⁴, 2.9 × 10⁻⁴ मतलब चौथे डेसिमल के बाद तो स्टार्ट हो रहा है ना। तो एक्चुअली वहां पे एच आर सी की वैल्यू बहुत छोटी थी, इस कारण इस पूरी वैल्यू को बहुत छोटा नंबर आ रहा था, लेकिन अभी तो यहाँ पे एच आर सी की वैल्यू बहुत बड़ी है, एच आर सी की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है ना, लगभग 0.98 लिखे हैं हम लोग, 1 है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 लिखे हैं हम लोग। ठीक है, तो 1 लिखे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए 1 × VEC, तो ये आपके लिए शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाला है, ये आपके लिए शॉर्ट सर्किट नहीं होने वाला है। अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद करो, जब हम लोग आउटपुट इंपेडेंस निकाले थे पहले वाले केस में, दोनों केस में कॉमन एमिटर विथ आरई कॉमन एमिटर विदाउट आरई में जब हम लोग निकाले थे आपके लिए आपका आउटपुट इंपेडेंस, तो क्या आया था आपके लिए इन्फिनिटी आया था। वो इन्फिनिटी क्यों आ रहा था, क्योंकि आपका करंट जीरो आ रहा था, करंट जीरो क्यों आ रहा था, क्योंकि आपके इनपुट नेटवर्क में सोर्स नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे सोर्स एग्जिस्ट करेगा, अब यहाँ पे सोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब अगर यहाँ पे सोर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपका आउटपुट इंपेडेंस इन्फिनाइट नहीं होता, मुझको यहीं पे देख के पता है, ये मुझको यहीं पे देख के पता है। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज होना चाहिए, आपको देख के पता रहे। ठीक है, कि अगर यहाँ पे एच आर सी इंटू वी सी वी सी के बराबर हो रहा है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो तो क्या इफेक्ट होने वाला है आपके नेटवर्क में, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपने को अभी से पता है कि हाँ इस बार तो मेरा आर नॉट इनफाइनाइट नहीं आने वाला है, मतलब इस एम्पलीफायर का आउटपुट इंपेडेंस हाई नहीं होने वाला है।
इस एम्पलीफायर का आउटपुट इंपेडेंस आपके लिए हाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मुझको यहीं पर देख के पता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल ड्रॉ करता हूँ, इसका एक अप्रोक्सीमेट मॉडल ड्रॉ करता हूँ। ठीक, ये देखो एग्जैक्ट मॉडल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आपके लिए ये वोल्टेज सोर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे आपका कलेक्टर वाला पार्ट ग्राउंड, तो ये आपका फिगर किसका है, ये फिगर आपके लिए एग्जैक्ट मॉडल है, ये आपके लिए एग्जैक्ट मॉडल है। ठीक, ये आपके लिए क्या है फिगर, ये अप्रोक्सीमेट मॉडल है, ये आपके लिए अप्रोक्सीमेट मॉडल है। क्लियर, तो सब लोग बोलते हैं कि आपके कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाला फिगर में आपका वोल्टेज शॉर्ट सर्किट नहीं होता, सब लोग ऐसा डायरेक्टली बोल देते हैं, बट आपको रीजन पता रहे कि ये शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, क्योंकि बाकी जगह क्या होता है, बाकी जगह एचआर की वैल्यू बहुत छोटी होती है, एचआर की वैल्यू एक जगह 2.9 × 10⁻⁴ होता है, एक जगह 2.5 × 10⁻⁴ होता है, तो वहां पे आपका वीसी बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर 4 डेसिमल के बाद चालू होता है, यहाँ पे तो वो नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस कारण मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग कॉमन कलेक्टर का अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाला फिगर गलत ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, आपके लिए कॉमन कलेक्टर वाला फिगर को हमेशा गलत ड्रॉ करते हैं, तो ये फिगर आपके लिए स्पेशल है। ठीक है, ये फिगर आपके लिए स्पेशल है, आपको पता रहे कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आपको ये नहीं अज्यूम कर लेना है कि अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल मतलब ओपन सर्किट होना ही है, शॉर्ट सर्किट होना ही है, आपका आउटपुट इंपेडेंस वाला पार्ट ओपन सर्किट होगा और आपका इनपुट में जो वोल्टेज बना हुआ है ये शॉर्ट सर्किट होगा, ऐसा आपको मानना नहीं है, कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये फॉर्मूला नहीं है ना, ये तो हमेशा हाइब्रिड पैरामीटर नंबर के वैल्यू के हिसाब से आती है। क्लियर, तो आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट करने वाला है और ये वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इस कारण ये हम लोग के लिए थोड़ा सा स्पेशल वाला पार्ट है ना। ड्रॉ करो उसको।